हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ एक नया प्रोडक्ट लेके आपके सामने अनबॉक्सिंग करने। सो इसको करते हैं अनबॉक्स और जानते हैं कैसा है प्रोडक्ट। आज मैं लाया हूँ आपके सामने फ्रीडो का अल्टीमेट स्लीप पिलो। ये मेमोरी फॉर्म वाला पिलो है और इसको करते हैं अनबॉक्स एंड इसकी देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है। और मैं बहुत दिनों से एक आर्मर का पिलो ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसका कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि विच वन इज़ बेटर, प्राइस वाइज भी विच वन इज़ बेटर और क्वालिटी वाइज भी देखूंगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। ठीक है गाइस, करते हैं अनबॉक्स। इसमें और तो कुछ नहीं, इसको फेंको। सो ये है इसका पिलो। तो अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी वाइज अच्छा है गाइस, काफी अच्छी। यहाँ पे एक ब्रांडिंग दे रखी है फ्रीडो की, इन्होंने यहाँ पे भी ब्रांडिंग दे रखी है। यहाँ पे बैम्बू भी डाल रखा है, आई थिंक ये बैम्बू कॉटन से बना है इसलिए। और इसको अगर खोल के देखें तो खोलने पे एक ये एक अलग, मतलब ये एक तरह का पिलो कवर टाइप का है, पिलो प्रोटेक्टर है और इसके अंदर एक ये है, इसके अंदर है मेमोरी फॉर्म। अगर मैं खोलना चाहूँ तो मैं इसको कट करता हूँ और इसके अंदर चेक करता हूँ कि कैसा है मेमोरी फॉर्म। गाइस आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, दैट्स व्हाई मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं। ओह, ये है मेमोरी फोन। ये देखिए, देख सकते हैं गाइस, अगर मैं यहां पे शेप लेता हूं तो पूरा वापस, और इसमें बीच बीच में होल बने हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो एयर जो हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं वो यहाँ से निकलती है। जैसे अगर मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ वो इसी से एयर मिलती है, निकलती है, मुझे फील भी होता है, और जैसे मैं करता हूँ फिर वो एयर अपने आप वहाँ से अंदर आ जाती है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस पे तो काफ़ी अच्छा है। एंड कूल जेल वाली है तो कूल जेल की वजह से थोड़ा ठंडी भी है, तो कूल जेल टेक्नोलॉजी भी है इसमें यूज़ हुई है। ये देख सकते हैं, ये साइड साइड कोल जल लगी हुई है, तो क्वालिटी वाइज तो अच्छी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी जो मैं आर्मर पिलो का एक और वीडियो है मेरा जो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसकी पिलो मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको इसको भी दिखाता हूँ, काफ़ी इसको भी टाइम हो गया है। अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूँ तो थिकनेस मेरे को इसको यूज़ करते हुए 1.5 ईयर हो गए हैं, थिकनेस अभी देखिए आप इसकी बरकरार है। ठीक है, अगर मैं फ्रीडो से बात करूँ तो फ्रीडो वाली इसकी थिकनेस थोड़ी कम है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, और अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो साइज़ भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। इसका थोड़ा सा ऐसे करके फ्लैट लुक है, फ्लैट वाला है, और थोड़ा ये नॉर्मल वाला है। इसका भी है मतलब फ्लैट, लेकिन इसका नॉर्मल वाला है। इसको भी खोल के देखते हैं गाइस, किस टाइप किस तरह से खोलने का बना हुआ है। आई थिंक इसमें तो खोलने का बना ही नहीं हुआ है। तो गाइज इसमें देख सकते हैं आप, इसमें नॉर्मल मेमोरी फॉर्म लगा हुआ है, इसमें कूल जेल वाली टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ हुई है, तो ये नॉर्मल मेमोरी फॉर्म वाली है। ठीक है गाइज, और अगर मैं प्राइस कंपैरिजन की बात करूं इसमें तो आई थिंक प्राइस MRP लिखा नहीं है, ऐसे होना तो नहीं चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट में विदाउट MRP नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके प्रोडक्ट में नहीं लिखा हुआ, स्ट्रेंज। मैं बात करूँ कि फ्रीडो का इसका प्राइस क्या है, इसका फ्रीडो का प्राइस है 799 रुपीज़ का, मतलब 1799 का, 1799 रुपये का। मैं इसकी बात की क्योंकि नॉर्मल वाली है, इसका प्राइस रेंज है 1399 का, तो प्राइस वाइज ये सस्ती है और महंगी है। माय आर्मर की भी कूलिंग जेल वाली पिलो आती है, उसका भी प्राइस मैंने चेक करा है 1998 का है,
गाइस, और वो भी पैक ऑफ टू, उसमें एक नहीं मिलती है फ्रीडो की तरह। मतलब फ्रीडो का अगर मैं बात करूँ तो 1799 रुपये का है, लेकिन उसमें एक ही मिलती है, लेकिन इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ 1998 का, तो उसमें दो मिलती है माई आर्मर की। तो मेरे हिसाब से आर्मर भी बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों को कॉस्ट वाइज देखनी है तो आर्मर बहुत अच्छी है। इफ़ यू वांट कि मैं आर्मर की वाली पिलो का आपके साथ इसका और उसका कंपैरिजन करके दिखाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसका भी कंपैरिजन आपको वो ऑर्डर करके कंपैरिजन करके दिखा दूंगा। सो गाइज, ये दोनों मेरे पिलो हैं और मैं अभी दोनों का आपको, मैंने आपको कंपैरिजन बताया। आपको कुछ अपडेट चाहिए, इसमें कुछ ऐड ऑन करवाना है, तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट करिएगा, मैं आपको उसमें एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर मैं इन दोनों में आपको रिकमेंडेशन, आप पूछना चाहते हैं कि मैं कौन सी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, अगर आपको कूलिंग जेल वाले के साथ जाना है तो आप फ्रीडो ले लीजिए, और आपको नॉर्मल मेमोरी फॉर्म वाली चाहिए तो आप ये माई आर्मर लीजिए। अगर आपको थोड़ी थिकनेस पसंद है हाँ, तो आप माई आर्मर लीजिए। माई आर्मर को मैं दो तीन जगह यूज़ करता हूँ बहुत अच्छे से। इसको अब मैं गाड़ी में यूज़ करता हूँ अपने बैक सपोर्ट के लिए, क्योंकि एक तो ये बड़ी है और मेरे बैक सपोर्ट में एकदम फ्लैट आती है। अब इसको मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको यूज़ करता हूँ। और अगर आपको कूलिंग जेल वाली मेमोरी फॉर्म की, कूलिंग जेल विद मेमोरी फॉर्म माई आर्मर वाली चाहिए, तो वो भी आप इसकी ऑर्डर कर सकते हैं माई आर्मर की, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ठीक है गाइस, थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। हम आपके पास नए नए प्रोडक्ट लेके आते रहेंगे और हम आपका पूरा कंफर्ट का अच्छे से ध्यान रखेंगे, कि आपके लाइफ में जितना भी आपके कंफर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि हम वो सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह आपका सॉल्व करें। थैंक यू गाइस।